क्या देख रहे हो? एक बात पूछूं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं? पता नहीं, पर तुम्हें खो देने का डर सताने लगा था। सवाना, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें कैसे Because I love you, Isha. इसीलिए तुम्हारे लिए शायद इतना इनसिक्योर हो गई। OMG, I can't believe कि सुहाना बाजपेयी कभी इनसिक्योर हो सकती है। हाँ, बाजपेयी नहीं, कश्यप। या, actually ना, जब से मैं सुहाना बाजपेयी से सुहाना कश्यप बनी हूँ ना, तब से मैं इनसिक्योर हो गई हूँ, वीक हो गई हूँ। मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं बची है। I've totally changed. I don't want to change. OMG, ऐसा नहीं हो सकता। ईशान, तुम एक काम करो, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या? Yeah. I don't like myself anymore. I want to be like how I was before. अच्छा तो इसके लिए तुम्हें मुझे डिवोर्स चाहिए? Are you mad? Yes, I want divorce right now. क्या? देखो सोना, अगर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? तुम दूसरी शादी कर लो ना। सुहाना, रिलैक्स, काम डाउन। क्यों? देखो सुहाना, बड़ी माँ और पापा अभी तक यहीं हैं। अगर उन्होंने ये बात सुननी तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। या ना? या यू राइट। बड़ी माँ बहुत दुखी हो जाएंगी। आई कांट हर्ट बड़ी माँ। डिवोर्स कैंसिल। अब तुम आराम से सांस ले सकती हो। अभी एक काम करते हैं, ये सब भूल जाओ। अब चलो सो जाते हैं। ओके, गुड नाइट। ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी माँ के पास सोने जा रही हूँ। कितने दिन से बड़ी माँ के पास मैं सोई नहीं, और कल वो चली जाएंगी। बाय। अरे सोना, मगर तुम। अरे डिवोर्स कैंसिल कर दिया ना मैंने ईशान। गुड नाइट। रात के 2 बजे हैं। यहां पर भी नहीं है, फिर गया कहां? मेन दरवाजा खुला है। तुम लोग समझ गए ना? अरे इलेश भाई, बिल्कुल समझ गए, आप चिंता मत करो। एक बार नाटक शुरू हो जाए फिर देखो हम दोनों का कमाल। आप और एक बात, इस बात की ना भैया को ना किसी और को हवा तक नहीं लगनी चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल 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 नहीं। वादा वादा पक्का। उठती रिकी। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। दिशु, तुम यहाँ इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इंदर भाई के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। साजिश? अब तो क्या पकड़ा है? साजिश नहीं, रिहर्सल कहना चाह रहा है। एक्चुअली हम तो यहाँ रिहर्सल कर रहे थे। है? क्यों? हाँ हाँ भाभी जी, रिहर्सल ही तो कर रहे थे हम लोग इतनी रात में। अरे दिशु, क्या है ना, मंगत का कल नाटक है और मंगत बेचारा बहुत नर्वस फील कर रहा था। हाँ, नर्वस हो गया बेचारा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ 2-3 रिहर्सल कर लूं, है ना, तो ये बेटर फील करेगा। मंगत, अब तुम कैसे महसूस कर रहे हो? हैं? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? आ रहा है ना? बोलना, आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ, अभी बिल्कुल ठीक हो गया ये। हाँ, देखा देखा। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, कल नाटक के लिए एनर्जी पचा के रखना है, चमके करना नाटक। हाँ, क्यों है? हाँ,
तख लिया। जो हुकुम शहजादे। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। हो गया जाओ जाओ। अब दीशु अब चलो अब हम भी जाके सो जाते। चलो चलो। ये दोनों तुम्हें शहजादे क्यों बुला रहे? तुम तो दुर्जन का रोल कर रहे हो ना, कहीं तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले हो? नहीं दिशु, कोई गड़बड़ नहीं है। अरे वो कहा ना मैंने, ये दोनों ना बहुत नर्वस फील कर रहे थे, तो नर्वसी में कुछ ऐसे बड़बड़ा रहे थे। दिशु एक्चुअली मैं भी बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, इतनी टेंशन में तो तुम अपने इंटरव्यू के लिए भी नहीं दिखे। अरे अपना इंटरव्यू पर्सनल चीज है, और ये नाटक जो हो रहा है ये पूरे मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल? अरे अरे दिशु मेरी मेरी बात को सुनो। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं बड़ी मां के पास आऊंगी। सुहाना तुम ईशान के पास जाके सो ना। नो, मैं बड़ी माँ के पास सोऊंगी। तू क्यों आ जाए यहाँ मेरे पास? अरे बाबा, कितनी मुश्किल के बाद तुम दोनों का झगड़ा खत्म हुआ है। जाओ जाओ जाओ, अपने ईशान के पास जाओ, भागो। ईशान मिल गया ना तुमको, अब तुम उसके पास जाके सोना। प्लीज मुझे बड़ी माँ के पास सोने दो। अरे क्या? मुझे बड़ी माँ भी चाहिए और ईशान भी। अरे बड़ी माँ, This is not fair. What is this? उनके पास मैं सोऊंगी, तुम जाओ। मैं सोऊंगी बड़ी माँ। मैं सोऊंगी बड़ी माँ। मैं सोऊंगी आपके पास। सोना देखो ना बड़ी माँ। मैं सोऊंगी। बस 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 मेरी बच्ची, दोनों सो जाओ, ठीक है? ये ठीक है, आज के लिए मैं बड़ी माँ को शेयर कर लेती हूँ। How possessive. ठीक है चलो सो जाओ। No. आप पहले मुझे बताइए कि आप सोनाली से क्या कह रही थी। कुछ नहीं बाबा, बस उसे समझा रही थी कि अब उसे सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ये रिश्ते होते ही ऐसे, कुछ फलते फूलते हैं तो कुछ मुरझा जाते हैं, पर जिंदगी में कभी विश्वास नहीं खोना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, वादा करती हूँ आपसे अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। जो भी पुराने अभिषेक के साथ बिताए हुए पल हैं उन्हें एक पूरा सपना समझकर भूल जाऊंगी। मुझसे भी कुछ कहिए। तुझसे भी मैं यही कहूंगी सुहाना, रिश्तों से कभी इतनी जल्दी विश्वास खोना नहीं चाहिए बेटा। ये विश्वास ही तो रिश्तों की बुनियाद होती है। तुम्हें पता है ईशान तुम्हें बेहद प्यार करता है। बस उसे प्यार जताना नहीं आता। हाँ आप ऐसा सोचते हैं बड़ी माँ? थैंक गॉड मैंने ईशान से अपना डिवोर्स कैंसिल कर दिया। मतलब? नो नो डोंट वरी, मैं ईशान को डिवोर्स नहीं दूंगी और मैं उसे हमेशा ट्रस्ट करूंगी, प्रॉमिस। बड़ी माँ। अच्छा। Oi, 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 oi,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।